सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियन ब्लॉक के भवानीगंज गांव में हम आए हैं और यहां आशा कार्यकर्ता से मिले हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुरक्षा किट किस तरह से इनको मुहैया कराया गया है, जिससे ये लोग अपना काम कर रही हैं। और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि कोरोना काल में इन लोगों का जिस प्रकार से काम लिया जा रहा है, उस हिसाब से इनको पैसा दिया जा रहा है कि नहीं, इन लोगों का पेमेंट दिया जा रहा है, समय से भी नहीं दिया जा रहा है, इससे इन लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, इस विषय पर आज हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है। सर, हमको सुरक्षा ऐसे नहीं मिला है सुविधा, जैसे हम लोग जान जोखिम डाल के ड्यूटी करते हैं, ना सैनिटाइजर मिला है, एक दाई ग्लव्स दे रहे हैं, एक दाई मतलब अरे मास्क दे रहे हैं सर, और कुछ भी नहीं मिला। और ड्यूटी हम लोग बराबर करते हैं, बीमारी भी बहुत अधिक है, महामारी बहुत अधिक है। तो आप लोग गांव में जाती हैं तो कोई दिक्कत भी होता है वहाँ जाने पर? हाँ, जाने पे दिक्कत होता है सर, लेकिन हम लोग काम बराबर करते हैं। क्या दिक्कत होता है, लोग क्या कहते हैं? सर कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं लाती हो, खाली नाम लिखने आती हो, बार बार सर्वे करने आती हो। सरकार ने कोरोना काल में 1,000 रुपया देने के लिए वादा किया था, तो क्या ये आप लोग को मिला? नहीं, ये तो पिछले साल मिला था, इस महीने में से नहीं मिल रहा, जब से महामारी चल रही है, इसमें से कुछ नहीं दिए हैं। तो आप लोग का घर का खर्च कैसे चल रहा है फिर? अब सर हम लोग ड्यूटी जैसे अब हम लोग जान जोखिम डाल के करते हैं, और ये हम लोग ग्राम सेवक जैसे सामाजिक सेवक के लिए हम बने हैं, लेकिन सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे रही है कि मतलब हम अच्छे से और काम आगे बढ़ाएं। अगर हम जैसे और पैसा मिले, हम लोग जैसे बच्चे हैं, परिवार हैं, या बीवी जैसे और हैं, परिवार हैं, सब ना खुश होते हैं कि जाती हूँ, घर के काम मतलब बर्बाद होता है और कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। तो क्या अगर सरकार आप लोग को समय से पैसा दे तो क्या आप लोग समय से बढ़िया से काम कर? हाँ, और भी काम लोग से ले सकता है सरकार जी। तो आप ही खाली ऐसा करते हैं कि और जो आशा कार्यकर्ता हैं वो लोग भी ऐसे ड्यूटी करते हैं? सब ऐसे ड्यूटी करते हैं सर, सब ड्यूटी अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता है समय समय से। तो क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? अब सरकार से सर ऐसा है कि हम लड़ेंगे, जैसे हिम्मत डाल के लड़ेंगे, और सरकार हमको बनाएगी, आशा तो हम बनेंगे, जैसे हम सेवा कर रहे हैं गांव के लिए, तो सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब आशा को वेतन बढ़ाना और अच्छा सा काम अच्छा लेना। हम कहना चाहते हैं कि सभी आशाओं को सुरक्षित से रखना जाए, समय समय पर पैसा दिया जाए। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने कभी धरना दिया था कि मतलब समय समय पर सब कुछ मिले? जी, जिले पर धरना दिया गया था 15 जनवरी। तो उसमें कोई आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन मिला कहीं कि जा सब लोग काम करो, पैसा मिलेगा समय समय पर। अब तो पैसा नहीं मिल रहा है समय समय पर, 2 महीने से नहीं पैसा मिला। तो खाली पैसे की बात हुआ था कि आपकी सुरक्षा को भी वहाँ ध्यान में रखा गया था? सुरक्षा को कहा गया था, सुरक्षा भी तो यहाँ पर नहीं ध्यान रखें। सरकार से हम लोग यह कहना चाहते हैं कि सभी आशाओं पर ध्यान रखें, सुरक्षा रखें, समय समय पर पैसा दिया जाए। 2006 से काम कर रहे हैं। तो 2006 से आप काम कर रहे हैं, तो इस कोरोना काल में जो भी आपने ड्यूटी दिया है उसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें यही हो रही थी कि सांस फूलना, खांसी आना, किसी किसी को बुखार होना, सर्दी जुकाम। तो आप मतलब जो ड्यूटी कर रहे हैं उससे आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है गांव में? अब गांव में यहाँ सर जी हम लोग को ही परेशानी करना कि किसी को बुखार है नहीं, किसी को कहना है वो पॉजिटिव है नहीं, और सर्दी जुकाम है, तो हम लोग को जाकर कुछ दूर पे रहकर हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, और तो क्या आप लोगों को भी इसमें खतरा रहता है? बिल्कुल, हम लोग को खतरा रहता है, हम लोग को जो पॉजिटिव होंगे या और को, तो हम लोग को पता तो है नहीं, जाएंगे तो दूरी बनाकर ही रहेंगे, और दूरी बनाकर मास्क और कहना है ये सब लगा कर, सैनिटाइजर वाइजर मिलता नहीं, हम लोग अपने पास से ले जाते हैं। तो क्या आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप लोगों को नहीं दिया गया है सुरक्षा के लिए? हम लोग को सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, मास्क देते हैं, और जो 5 रुपया वाला है, और सैनिटाइजर वाइजर कुछ नहीं देते हैं।
रहा काम तो हम लोग धूप में जाकर करते हैं। देखिए इतना घाम था, हम लोग आए हैं 11:30-11:12 बजे ले, और अभी तक तो अभी तक यही गांव में ही है क्षेत्र में, और हम लोग को घाम में धूप में जा काम करना पड़ता है। तो भाई हम लोग को पैसा तो बनता है, लेकिन अब जब नहीं मिले तो हम लोग कितना लड़ पाएंगे। और ना लाभ भारती पैसा ना दिया था, और लाभ भारती से कहो तो सर जी से, तो वे कहा थे जाओ कहना है उनसे, कहा बीएम से कहो, अब बीएम से कहना है कहो बीएम से खाली भेटा तो नहीं है, और बाद में ना परेशान हो जावा जाता है, मेरे सब चली आवा जाता है, अब पैसा लाभ भारती को नहीं दिया गया ना, हमारे कहा थे लाभ भारती मिली तो तोहरों मिली, लाभ भारती नहीं मिला था हमारे सब कहना है, हमें सब रात के पूरा रात ऐसे रह जावा जाता है अस्पताल में, और मच्छर उछड़ रहा था, फिर ओकरे बाद में यहाँ काटा था, और पूरा रात रह जा दिन में रात है दिन में रह जावा जाता है, वहाँ से भी 24 घंटे का वो वहाँ कर कहते हैं कि 24 घंटा रहना है। इस वीडियो को अच्छे से लाइव करें, कहना है वो करें शेयर करें कि हम लोग को समय समय पर अच्छा पैसा मिले, जैसा हम लोग मेहनत करते हैं वैसा पैसा हम लोग को मिले।